हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आजकल इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर लिक्विड डो परांठा बहुत ट्रेंड में है एंड ये काफ़ी वेरिएशन से भी बनता है। आप इसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हो बेस्ड ऑन योर ओन टेस्ट। इस वीडियो में मैंने अनियन चिली परांठा बनाया है, तो मैंने भी सोचा कि एक बार इसे ट्राई करते हैं एंड आपको ऑनेस्ट एंड डिटेल्ड रिव्यू बताते हैं कि ये कैसा बना, इसका कुकिंग टाइम कितना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये हमारे रेगुलर अनियन परांठा से बेटर है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कप आटा लिया है जिसके अंदर मैंने चॉप्ड अनियन, थोड़ा सा गार्लिक, फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाले हैं। इसके साथ ही थोड़ा सा हींग भी डाला है और स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं आप इसमें और 2 चम्मच घी। जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप इसमें डाल लेंगे तो इसमें 1 कप पानी जाएगा। पानी मैंने 1 कप लिया है 1 कप आटे के लिए। आप इसको अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो डोसा बैटर की तरह होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ये और ना ही बहुत ज़्यादा थिक। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। ये आप देख रहे हो कि ज़्यादा थिक भी नहीं है, ज़्यादा थिन भी नहीं है, तो ये परफेक्ट है परांठा बनाने के लिए। तो चलिए परांठा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने तवा को मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा है और जैसे आप डोसा बनाने के लिए बैटर स्प्रेड करते हैं उसी तरीके से हम इस बैटर को अच्छे से तवा पे इवनली स्प्रेड करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप इसको तब तक कुक होने दें जब तक इसका ऊपर का सरफेस अच्छे से ड्राई आउट ना हो जाए, उसके बाद ही आप इसको टर्न करें। दोनों साइड पे घी या बटर लगा के हम इसको कुक कर लेंगे। जब ये परांठा थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाए दैट इंडिकेट्स कि आपका परांठा तैयार है। तो बस अब हम इसे प्लेट आउट कर लेंगे एंड विल शो यू द एंड रिजल्ट्स। एंड वी आर डन। तो बनने के बाद ये लुक वाइज एकदम हमारे रेगुलर अनियन परांठास जैसे हैं। इसे मैंने सर्व किया है विद मैंगो चटनी, सम होममेड पिकल, कर्ड एंड बटर। सो माई फाइनल रिव्यू ऑन दिस लिक्विड डो परांठा इज कि ये खाने में काफ़ी यमी है, प्लस देर तक सॉफ्ट भी रहते हैं, तो ये लंच बॉक्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। जो सिर्फ एक इशू लगा मुझे वो ये कि ये रेगुलर परांठा से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाते हैं कुक होने में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो डोंट फर्गेट टू हिट अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इन्जॉय।